बुधवार को गुजरात के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोबोटिक्स गैलरी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पीएम मोदी रोबोट द्वारा परोसी गई चाय की चुस्की का आनंद ले रहे हैं। रोबोटिक्स गैलरी में डीआरडीओ के रोबोट्स, माइक्रोबॉट्स, एग्रीकल्चर रोबोट्स, मेडिकल रोबोट्स, स्पेस रोबोट्स और बहुत कुछ प्रदर्शित किया गया। पीएम मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान अहमदाबाद में साइंस सिटी का दौरा किया, जिसमें रोबोटिक्स गैलरी, नेचर पार्क, एक्वाटिक गैलरी और शार्क टनल का जायजा लिया और इनोवेशंस की जमकर तारीफ। भारत में रोबोटिक्स को लेकर कई स्टार्टअप्स कंपनियों ने स्किलिंग और मैन्युफैक्चरिंग में हाथ आजमाने शुरू भी कर दिए हैं। इंडस्ट्री 4.0 में रोबोटिक्स की बढ़ती मांग के मद्देनजर ये क्षेत्र भविष्य में रोजगार की भी असीम संभावनाएं लेकर आने वाला है। हमारा फोकस हमेशा एक है, हम लोग कैसे बच्चों को इनोवेटर बनाएं, कैसे हम लोग दुनिया भर में 10 करोड़ बच्चों को इनोवेटर बनाएं और उनको क्रिएटिव बनाएं। और आज के फोकस में मेरे साथ दो बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। समझना बहुत जरूरी है कि रोबोटिक्स क्यों एक नया सनराइज सेक्टर है और यहां पर रोजगार की कितनी संभावनाएं हैं और भारत को किस तरह से हमें एक सुपर पावर बनाना है। स्वागत करते हैं हर्षा किंकरी का, जो कि सीईओ हैं होलो वर्ल्ड के, इस वक्त अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ रौनक जोगेश्वर, जो कि स्टेम एजुकेशन स्ट्रेटेजिस्ट हैं और इनोवेशन लीड कर चुके हैं अटल इनोवेशन मिशन। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षा, बहुत धन्यवाद इतनी दूर से, इतनी देर रात इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थोड़ा सा हमें बताइए कि रोबोटिक्स कितना एक्साइटिंग है इस वक्त, जब आप वापस आए वहां से लेकर के अब तक कितना बदलाव दिखा है। मैं जब आया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी इधर आए थे सिलिकॉन वैली, एंड जब वो आए थे तब मेरा रोबोट लेके उसको एक अपाहिज को मैं 3500 माइल्स के दूर से उसको एक्चुअली उसकी कॉन्फ्रेंस में मैं लाया था, जब वो सिलिकॉन वैली विजिट करने के लिए आए। तब उसने मुझे बोला कि आ जाओ इंडिया में, हम करते हैं रोबोटिक्स का रेवोल्यूशन। सो इसलिए मैंने ये हॉलो वर्ल्ड का एक्चुअली कंपनी खोला मैसूर में। रौनक, जिस तरह से हमने देखा कि स्किलिंग को लेकर के काफी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं रोबोटिक्स में, अभी थोड़ा सा हमें थोड़ा नंबर्स के जरिए समझाने की कोशिश कीजिए कि ये कितना बड़ा पोटेंशियल है इस नए सेक्टर में। रौनक, थैंक यू सो मच अजय कुमार मिश्रा जी। मैं इस शो को काफी अच्छे से फॉलो भी कर रहा हूँ, एंड पिछली बार हमने ड्रोन्स के बारे में बात की थी जहाँ तक मुझे याद है, तो वहाँ से मैं थोड़ी कुछ शुरुआत करूंगा कि ड्रोन्स भी एक तरीके के रोबोट्स है। जब मैं इनके बारे में सोचता हूँ, जब मैंने पहली बार रोबोट बनाया था, ड्रोन बनाया था बैक इन माई कॉलेज डेज, एक रोबोटिक्स कॉम्पोनेंट था, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मुझे उसकी कैपेबिलिटी समझ में नहीं आई। लेकिन आज जब मैं स्टडी करता हूँ स्टेम एजुकेशन, रोबोटिक्स, एआई की इंडस्ट्री को, जस्ट इन केस ऑफ एजुकेशन ही आज के डेट में 50 बिलियन यूएसडी की मार्केट है और इसकी एनुअल जो ग्रोथ रेट है वो 14% के आसपास है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बाय 2030 ये मार्केट $133 बिलियन की होने वाली है। इन हाउस मेक इन इंडिया रोबोटिक्स प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जाए, उसके लिए हम बच्चों को रोबोटिक्स और एआई और ब्लॉकचेन और ऐसी सब टेक्नोलॉजीज के बारे में काफी अर्ली एज पे उनको इन्वाइट कर रहे हैं। अब हम उनको टोटल टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और टेक्निकल कैपेबिलिटीज इस पर्टिकुलर एज पे नहीं दे सकते, वो बच्चे हैं, ठीक है, बट वी आर एक्चुअली हम उनको ये बोले कि हाउ टू थिंक। अब जैसे कि मैं अगर एक स्टूडेंट हूं, मैं जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो देख रहा हूँ जहाँ पे वो मार्स रोवर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे हम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं इंस्पायर हो रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि कैसे मैं खुद अपना एक छोटा सा मार्स रोवर बनाऊं। और ये नीड को कंप्लीट करे, ये नीड को कंप्लीट करे रोबोटिक्स एंड एआई स्टार्टअप जो एजुकेशन में काम करे इंडिया। लेकिन रौनक, हम आपसे वही समझना चाह रहे थे कैसे इसको और ज्यादा इसको डीपली पेनिट्रेट किया जाए, रिमोट कॉलेजेस में कैसे इसको पहुंचाया जाए, कैसे इसको एक्सेसिबल बनाया जाए पूरे रोबोटिक्स की दुनिया को। हम लोग अभी बहुत सारी कंट्रीज से काफी पीछे और काफी काम करना बाकी है। थैंक यू सो मच अगेन, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, बिकॉज जब मुझे भी मौका मिला पीएम सर से मिलने का, उन्होंने भी मुझे यही बोला था कि आप लोगों को वापस आना देश में और देश को कॉन्ट्रीब्यूट करना है। सो आई एम टोटली जो हमारे जो पैनलिस्ट है मैं उनके साथ ही हूँ। मुझे एक पर्टिकुलर इंटरेक्शन याद आया है, जब मैं वहाँ पे पढ़ाई गया था, मैं एक एआई रोबोटिक्स वेंचर स्टूडियो की क्लास में था, वहाँ पे मुझे सैम ऑल्टमैन से मिलने का मौका मिला और उन्होंने मुझे बोला कि जब मुझे ओपन एआई बनाने का इंस्पिरेशन तब मिला था जब मैं एक स्टूडेंट था, एक बच्चा था, और तब मैं रोबोटिक्स एंड कोडिंग से इंटरेक्ट कर रहा था, ठीक है।
तो मुझे ऐसे लगता है कि यंग एज पे बच्चों को कैप्चर करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, मेरे पास सिर्फ इसके तीन स्पेसिफिक पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर टू ये है कि इनोवेशन जो ये इनोवेशन का जो पूरा डायस्पोरा है, ये अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली सिर्फ एक लैंग्वेज से बायर्ड है, मतलब सिर्फ इंग्लिश यूज किया जाता है, रोबोटिक्स लैंग्वेज में भी इंग्लिश यूज किया जाता है। फॉर्चुनेटली आजकल स्पेशली जो हमारे इंडिया के जो स्टार्टअप, भारत के जो स्टार्टअप्स है, वो कोडिंग लैंग्वेज को मल्टीलिंगुअल बनाए है, ठीक है। सो जब आप कोडिंग लैंग्वेज को मल्टीलिंगुअल बनाते हो, वर्नाक्यूलर बनाते हो, तब बच्चों में जो डर होता है कि यार ये तो इंग्लिश बिल्कुल मुझे नहीं आती, मैं ये नहीं सीख सकता, वो डर चला जाता है। तो जब आपको ऐसी रीजन में जाना पड़ता है जहां पे इंग्लिश प्रोमिनेंट लैंग्वेज नहीं है, एंड पिछली सेंसस के हिसाब से सिर्फ 10.6% इंडियंस जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं, बिल्कुल एंड 0.04% इंडियंस फर्स्ट लैंग्वेज है उनकी इंग्लिश। सही। तो यहाँ पे जो इन्फ्लक्स, जो मार्केट पेनिट्रेशन और अंडरस्टैंडिंग हो रही है, एटलीस्ट इन स्टेम एजुकेशन सेक्टर, काफी सही तरीके से हो रही है। एंड ये सिर्फ इंडिया भारत की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे के पूरे डेवलपिंग नेशंस की प्रॉब्लम है। कि अगर जैसे जैसे मैं अभी एक मैं एक फ्रेंड को हेल्प कर रहा हूँ जो बोलीविया से है, बोलीविया स्पैनिश कंट्री है, वहां पे बच्ची बच्चे इंग्लिश नहीं बोलते, उनको स्पैनिश में कोडिंग चाहिए, तो उनको उस लैंग्वेज में सीखना है। तो ये सिर्फ भारत की प्रॉब्लम नहीं है, अगर भारत इसके लिए जी सॉल्व जी करेगा तो ये बाकी ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लिए भी है। तो यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज हुई है इंडियन स्टार्टअप्स है, फॉर एग्जाम्पल स्टेम पीडिया जो है वो 600 से ज्यादा टिंकरिंग लैब्स, एआई लैब्स, रोबोटिक्स लैब बना चुका है, जहां जहां पे ये, और ये सब लैब्स टीयर वन सिटीज में नहीं है, जी जी इसमें से 500 से ज्यादा लैब्स टीयर टू टीयर थ्री गाँव में है, बिल्कुल एंड 100+ कंट्रीज को हेल्प करे। तो ऐसे जो कैवियार्ड्स है, ऐसे जो एक्सपीरियंसेस है जो हमारे जो स्टार्टअप दे पा रहे हैं बच्चों को रोबोटिक्स में, ये एक कैस्केडिंग इफेक्ट भी है, क्योंकि अब ये बिल्कुल बच्चे रोबोटिक्स सीख पा रहे एंड इनोवेटर्स खुद बन पा रहे। ये रौनक, तो बहुत दैट्स धन्यवाद। मेरे एस्पेक्ट। पास मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन हम फिर से जुड़ेंगे किसी नए प्रोग्राम में। और हर्षा, मुझे लगता है आपकी हिंदी बेहतर हो रही है, और जिस तरह से रौनक कह रहे हैं कि हमें मल्टीलिंगुअल काम करना पड़ेगा, तो शायद हम शायद एक ग्लोबल सोल्यूशन दे सकते हैं इस प्रॉब्लम को लेकर। बहुत धन्यवाद आप दोनों ही हस्तियों का इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, इकॉनमी ट्रेड में अपनी राय रखने के लिए। बहुत धन्यवाद।